पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे अवैध कब्जा हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को कह रहे हैं कि अधिकारी सामने आए तो जूते से मारूंगा। ये मामला कोरबा विकास खंड के ग्राम कनकी का है, जहां राजस्व विभाग ने लगभग 5 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। बता दें कि कलेक्टर जन चौपाल में कोरबा विकास खंड के कनकी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा के संबंध में शिकायत की थी। कलेक्टर अजीत बसंत ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार बरपाली को इस मामले की जमीनी स्तर पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने कनकी पहुंची। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी मौके पर पहुंचे और वह जिला प्रशासन की टीम से बात करने के दौरान कहा कि अधिकारी सामने आए तो जूते से मारूंगा। कलेक्टर बीजेपी के नाम से, ठीक है, हमारी सरकार है, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पोस्टिंग हो गया है, लेकिन मुझको बोलता है, बताइए आदमी लेकर क्यों आते हो ऑफिस में, ये बताइए आपकी समस्या है, और मैं कलेक्टर को बतलाने जाऊँगा आपको लेकर के, तुम मेरे को पूछ सकते हैं क्या बताइए? नहीं, वो तो कलेक्टर समझेगा, हम लोग क्या समझेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बात तो आप समझेंगे ना कि ननकीराम जा सकता है? नहीं, ननकीराम जाए, कहे नहीं जा सकता, प्रतिनिधि गए तो ऐसा बोल रहे, मैं उसके बाद बोल दिया, मैं कह तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा नहीं, और आ जाए ना, अगर जूता नहीं मारूंगा उसको, आ जाए मना करने, चलिए।